There is no shortcut in life, but he tried and he lost his everything. Later, he got a chance. He has just 12 hours to get his revenge. Now the game has begun, whether you want to play or not. जो खेल तुम लोगों ने मेरे साथ शुरू किया है उसका अंजाम अब तुम लोग की मौत पे खत्म होगा। क्या असद जिंदा बच गया और कामरान को उसने कत्ल कर दिया? जिंदा कैसे बच गया? और फिर जिम्मी ने किसको मार दिया? उस पागल ने पता नहीं किसको मार दिया। दादा तुम इस वक्त हो कहां? मुझे बताओ, मैं आ रहा हूं फौरन। अली भाई अब जल्दी आ जाओ। अली भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन टोनी मैंने तो असद को मार दिया था। सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। उसके घर जाओ, उसके घर पे खास नजर रखो। तुम हर सूरत मुल्क से दूर चले जाओ। मेरी बात मानो, हालात जैसे सही होंगे मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। कुछ पता चला असद का? नहीं टोनी, हमने हर जगह उसे तलाश कर लिया लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया। जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। भाई मैंने एक आखिरी काम और कर देंगे। आप मेरे जाने के बाद आप टोनी और उसके आदमी पर नजर रखिएगा, क्योंकि आप मेरी जिंदगी का हर लम्हा उसको मारने के इंतजार में गुजरे। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह असद मुल्क से बाहर चला गया। दिन रात इसी कोशिश में लगा रहा के वापस आए और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाए जिन्होंने उसे बर्बाद किया। फिर 3 साल बाद उसे मौका मिला उनसे बदला लेने का। वो पाकिस्तान आ रहा था। 12 घंटे थे उसके पास और इन 12 घंटों में उसे उन 5 को खत्म करना था। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। उन लोगों को पता चल गया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहा है। उन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए तुम्हें किडनैप कर लिया। अजीब मुश्किल में गिरफ्तार था मैं। एक तरफ बेटी की मोहब्बत, दूसरी तरफ दोस्त। फिर मैंने फैसला कर लिया।
राजा अपना ख्वाब है कि मैं इस शहर के ऊपर राज करूं। लेकिन टोनी का क्या होगा? टोनी का ही तो सारा मसला है। अगर टोनी रास्ते से हट जाए तो ये ख्वाब मेरा जल्द पूरा हो सकता है। ये ख्वाब तुम्हारा बहुत जल्द पूरा होगा। हाँ। क्यों बुलाया तुमने? पहले तो तू ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, बहुत ऊंची आवाज में बात करने लगा है। वक्त वक्त की बात है और ये खेल है। खेल में बाजी कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। ठीक कहता जावेद, ये खेल ही था। खेल खेलने का तुझे मौका दिया और अब ये मौका तेरे हाथ से मैं ही छीन लूँगा। तुम क्या खेल खत्म करोगे? ये खेल मैं ही खत्म करूंगा। टोनी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। टोनी, मैं तुम्हारा पुराना साथी हूं। नहीं प्लीज टोनी, नहीं, खुदा के वास्ते। देखो नहीं, हमारे गैंग में गद्दारी की सजा मौत। किरण के माँ बाप का इंतकाल एक एक्सीडेंट में हो गया था। वो अब विनी के साथ रहती है, जो इस शहर में एक बहुत बड़ी रिपोर्टर है। मेरी जान, जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। कब तक इस तरह अकेले उसका मुकाबला करती रहोगी? जब तक हिम्मत है। देखो किरण, मैं मानती हूँ कि जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनको भुलाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है, मगर उसके बावजूद भी जिंदगी में आगे चलना पड़ता है। पर विनी, कुछ चीजों पर आपका बस नहीं चलता। आपके लाख भुलाने पे भी आप उसे भुला नहीं सकते। उसकी बातें, उसकी यादें, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं उसे नहीं भुला सकती और उसी के सहारे में जिंदगी अपनी गुजार लूंगी। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रही कि तुम उसे भुला दो। बस यार, आज फिर मैं हार मानती हूं। तुम ठीक कहती हो और मैं भी। ये प्यार कितना स्टूपिड होता है ना।
किरण, आई एम सॉरी। देखो मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर तुमसे कभी ये नहीं करूँगी। प्लीज प्लीज अब चुप हो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह प्लीज चुप हो जाओ। लेकिन जो मैंने वादा किया वो सिर्फ आज के लिए किया, कल मैं फिर कहूंगी और जरूर कहूंगी। मैं तुम्हें हमेशा इस तरह हंसते देखना चाहती हूँ। हेलो, अकरम फिर मैं तुम्हें रात में मिलती हूँ। ओके बाय। अब किसका फोन आ गया? अकरम का फोन था, एक बहुत बड़े केस के बारे में बता रहा था। तुम कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं आ पाओगी, कभी भी नहीं। एक बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है, बहुत बड़े गैंग का। आइए आइए अली साहब, खूब दोस्ती निभा रहे हैं आप। अच्छी प्लानिंग की थी आपने हमें मारने की, पर आप क्या करोगे? ये मेरा और तुम्हारा मामला है, तुम मेरे बच्चे को बीच में क्यों लाए? उसे हम नहीं बल्कि तुम बीच में लेकर आए हो। तुम्हें एक मौका दिया था मैंने, अगर तुमने नहीं बताया। चाहते क्या हो तुम? तुम अपना प्लान मुकम्मल करो ना, असद को वापस लेकर आओ, फिर जिमी को मारो और साजिद को, वो समझेगा उसका प्लान कामयाब हो गया, फिर तुम उसको मेरे पास लेकर आओ। और अगर मैं ऐसा करने से इनकार करती हूँ तो? तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक बहुत समझदार आदमी हो। अपने बच्चे की शक्ल नहीं देगी तुमने, जाओ और वैसे ही करो जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम खुद अपने मुंह से मौत मांगोगे। जाओ। ठीक है, मैं वैसे ही करता हूं जैसा तुमने मुझे कहा था, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांग सको। मैं मार दूंगा तुम्हें। टोनी, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके हाथों क्या अपने बंदे मरवाओगे? टोनी खान ठीक कह रहा है, हम उसे एयरपोर्ट पर भी तो पकड़ सकते हैं। जिमी और साजिद मेरे किसी काम के नहीं, बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। हमारे लिए असद ये खतरा हटा देगा और लाला असद को हम रास्ते से हटा देंगे। घबराने की जरूरत नहीं। देखो तुम जरा इत्मीनान से मेरी बात सुनो, तुम मुझ पे इत्मीनान तो करती हो ना? क्या बात कर रहे हैं आप,
मैं आप पर ही तो एतमाद करती हूँ, लेकिन बात क्या है? रिलैक्स, वो बॉबी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। क्या अगवा कर लिया? किसने? आप जानते हैं उन्हें? बताए ना किसने अगवा किया है, बताइए। कहाँ है मेरा बेटा? आप पुलिस को फोन करें, बताइए ना। मेरी बात सुनो, भाभी को टोनी ने अगवा किया, उसे पता चल गया कि असद वापस आ रहा है। अली, ये वही टोनी है ना जिसने भाभी और सायमा का कत्ल करवाया था? अली, ये मेरे बेटे को भी मार देगा, मेरे बेटे को भी मार देगा। प्लीज आप कुछ करें, फोन करें पुलिस को, कुछ करें ना, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। बात सुनो मेरी, एक मिनट। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल सुबह तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। कल सुबह? मैं कह रहा हूँ, प्लीज अपने आप को संभालो, काबू में रखो। आप प्लीज, इस वक्त मुझे ऐसे बहादुर इंसान की जरूरत थी जो साई की तरह असद के साथ रहे और उसके मिशन को अंजाम तक पहुंचाए। ताकि मैं टोनी से अपने बच्चे को हासिल कर सकूं। इस शहर में सिर्फ एक ही आदमी था जो ये खतरनाक काम कर सकता था। आ जाते उधर आपके पास? बहुत जरूरी काम था कादर, मैंने सोचा मैं तुमसे खुद मिलूं। अच्छा अच्छा, कोई सीरियस मैटर? आप बैठो, बैठो, हुकुम करो। कादर, काम बहुत खतरनाक है। अली भाई, अपना पूरा जिंदगी खतरनाक कामों में गुजर गया, आप उसको छोड़ो, आपके लिए तो अपना जान भी हाजिर है, आप हुकुम करो। मेरा कजन कल शाम की फ्लाइट से आ रहा है, वह पहले यहाँ बैंक में काम करता था, कुछ लोगों ने डकैती में उसमें अपने साथ में ले लिया और फिर उसकी जान के पीछे। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। आप हुक्म करो, अपने को करना क्या है? तुम्हें कल शाम उसे एयरपोर्ट से लेना है और एक एक लम्हे उसके साथ रहना, उसका ख्याल रखना। अब बेफिक्र हो जाओ, ये अपना जिम्मेदारी है। जब तक अपने अंदर जान है ना, उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। तुम एक वाहिद आदमी थे कादर, जिसका मुझे यकीन था कि तुम ये खतरनाक काम करोगे। अब मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? ये क्या बोला?
अली भाई, आपको अब बड़ा काम मना कर सकता है? और वैसे भी अपने को बड़ा खुशी होगा उसका मदद करके। अब छूटा अपना जिम्मेदारी, पर उस पर आज भी नहीं आने देगा। थैंक यू कादर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एहसान? ये क्या बोला अली भाई आप? एहसान दोस्तों पर नहीं किया जाता, उनका हक होता है। और हक निभाने के लिए अगर अपना जान भी चला जाए ना, तो अली भाई अपना हाजिर है। आप बेफिक्र हो जाओ, आपका मिशन अपन जरूर पूरा करें। ओके, थैंक यू फादर, थैंक यू। सबकी